हम बनाएंगे व्रत के लिए सामक्या पुलाव। इसके लिए हमने ये आधा कप सामक्या चावल ले लिया है। ये व्रत का चावल है, इस तरह से ये बाजार में मिल जाता है। एक कच्चा आलू को बारीक काट लिया है और एक गाजर काट लिए। सामक्या को भी अच्छी तरह से धो के छान ले। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा ले, उसमें करीब एक टेबलस्पून घी डाले। घी को गर्म होने दे। इसमें एक टेबलस्पून मूंगफली डाल दे। मूंगफली का थोड़ा कलर चेंज होते ही इसमें डाले ये कटे हुए आलू। आलू को इसमें सिकने दे। गैस को धीमी आंच पे कर दे। आलू कुछ इस तरह के हो गए हैं। अब ये कटी हुई गाजर डाल दे। गाजर को भी साथ में भून ले। ये आलू और गाजर कुछ इस तरह के हो गए हैं। अब इसमें क्रश की हुई अदरक आधी चम्मच, आधी चम्मच से थोड़ी कम हरी मिर्च। हरी मिर्च आप और भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। अदरक हरी मिर्च को भी साथ में सेक ले। ये इस तरह के हो गए हैं। आलू भी अच्छे से सिक चुके हैं। अब इसमें ये सामक्या चावल डाल दे। इन्हें हमने अच्छे से धो लिया था। आधा कप चावल लिया था इसलिए दो कप पानी डाल दे। आधा कप चावल लिया था इसलिए हमने दो कप पानी डाल दिया है। एक कप चावल ले तो चार कप पानी डाल दे। इसी तरह से इसे बनाना है। इसमें बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अनुसार सेंधा नमक। सेंधा नमक हम व्रत में खाते हैं। नमक डाल के इसे अच्छे से चला ले। इसमें उबाल आने दे। इसमें उबाल आ चुका है। अब इसे धीमी आंच पे करके ढक के छोड़ दे जब तक ये चावल सीझ ना जाए। बीच बीच में इसे ढक्कन हटा के चेक कर ले। सामक्या का पुलाव कुछ इस तरह का हो गया है। ये बिल्कुल सीज चुका है। इसमें ये नींबू का रस डाल दे। हमने आधा नींबू का रस लिया है। नींबू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे डाल के मिक्स कर ले। अब इसमें हरे धनिए की पत्ती डाले और इसे मिक्स करे। गैस को बंद कर दे। ये रेडी हो चुका है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। सामक्या का पुलाव रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही हल्का होता है।